पहले हम शिमला तो राम नमस्ते श्रीकाल जी। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमने जो पहले बारबेक्यू बनाया था मिट्टी का, वो आपको दिखाया नहीं था जला के, तो आज उसी पे हमने पनीर टिक्का बना के दिखाया है आपको। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अब हमने इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च, नमक पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से डाला है, तो आप उसी हिसाब से डालें। दही का पानी हमने यहाँ निकाल दिया है। पानी अच्छी तरह निचड़ने के बाद इस दही को हम यूज़ करेंगे, इसी में मिर्च वगैरह डालेंगे। ये है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट हो गया। बोले आपने ऐसे शिमला मिर्च को इतने बड़े पीस में काट लेना है, और प्याज के ऐसे कटिंग कर लेनी है आपने, और एक दो टमाटर ऐसे काट लें। टिक्के का जो साइज़ है, टिक्के का साइज इतना रखें। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से दही में। ये हमारे पास चिकन वाली सलाखें हैं, इसमें पनीर लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप अपने हिसाब से देख लें कोई। पहले हम शिमला मिर्च लगाएंगे, इससे क्या है पनीर ना टाइट हो जाता है, इससे पनीर नीचे नहीं गिरेगा हमारा। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तंदूर में एक करके कम से कम चार या पांच पीस लगाएं। यहाँ पे हम सिंक को बंद कर देंगे। ये हो गई हमारी सलाद तैयार मिट्टी की। ऐसे रोस्ट करेंगे हम पनीर को। टिक्के की वीडियो तो हमने पहले भी डाल ली थी। तो ये बारबेक्यू है जो हमने मिट्टी से तैयार किया है, इसी में हमने कोयला डाला है बाद में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार। तो आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ हमारे बारबेक्यू को लेके थी। आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सलाम नमस्ते श्री अकाल जी।